नमस्कार, बोलते हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हम हैं नई दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में और कल यहाँ चुनाव है। इसी सिलसिले में यहाँ हम दुकानदारों से बात करेंगे कि अभी तक उन्हें सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा और कल जब वो मतदान करने जाएंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे। आइए हम कोशिश करते हैं इन लोगों से बात करने की। क्या नाम है आपके सर? मेरा ओम प्रकाश। ये शॉप आप ही के? मेरी आ गया इनके। अच्छा, तो कल यहाँ चुनाव है और पिछले साल यहाँ से मीनाक्षी लेखी जीती थी, इस बार अजय माकन मीनाक्षी लेखी और आम आदमी पार्टी से ब्रजेश गोयल हैं। आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे जब आप कल आप जाएंगे और किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे और अभी तक सरकार का प्रदर्शन आपको कैसा लगा है? आप दुकानदार हैं, इस सरकार ने अगर हम व्यापार की बात करें तो GST और डीमोनेटाइजेशन जैसा कदम उठाया, तो इसका प्रभाव आप पे क्या रहा? आपके कदम कितने अच्छे लगे या नहीं लगे, सभी सिलसिले में आप बता सकते हैं। मुद्दे जो थे उसमें तो जो सरकार ने किया GST वगैरह, तो बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया। बिल्कुल ठप हो गया? ठप ही हुआ है। किस तरह से ठप हो गया, किस आधार पे कह रहे हैं? इससे महंगाई बढ़ गई जीएसटी से। ठीक है, उससे महंगाई बढ़ी, ठीक है, तो कस्टमर अपना भी कम होगा, जो सेल होगी तो कमी होगी। ठीक है। और जैसे आपने कौन सा क्वेश्चन? नोटबंदी से तो फर्क देखो पड़ेगा, क्योंकि जब पैसा मार्केट में नहीं है तो अपने आप ही बिजनेस कम हो जाएगा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि उससे काला धन खत्म हो गया, आतंकवाद पे रोक लगी है। वो लगी है, लेकिन लोगों का तो बिजनेस खत्म हो गया। तो मतलब आप मानते हैं कि आतंकवाद पे रोक लगी है? वो तो लगी है, लेकिन अभी तो पुलवामा में हमला हुआ और हमारे जवान शहीद हो गए, वो भी तो आतंकवादी थे, वो तो बहुत दुखद घटना थी। लेकिन अगर आतंकवाद कम हुआ है तो ये हमले कैसे हो रहे हैं फिर? तो ये देखो, एक आधा तो होगा ही होगा, कम तो होगा, लेकिन वो भी रुकेंगे थोड़ा ना, कम पहले से कम हो गए, लेकिन वो भी अपना करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बॉर्डर के किनारे ही रह गए हैं, बॉर्डर के अंदर तो नहीं आ रहे। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि नोटबंदी अच्छा कदम था, लेकिन GST से आप लोगों को नुकसान हुआ है? अच्छा, GST भी एक अच्छा कदम है। GST भी एक अच्छा कदम है, पर GST को लोगों को समझ में नहीं आया है। अच्छा, और क्या, GST अगर आप भरते हो आपको रिटर्न भी तो मिलता है, आज भी उसमें प्रॉफिट भी बड़ा, व्यापार वर्ग बड़ा व्यापारी अच्छा अच्छा कमा भी रहा है और अच्छा खुश भी है। अच्छा, पर छोटा व्यापारी थोड़ा सा परेशान है। लेकिन जितने भी देश में बड़े अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि GST को एक बार में लागू ना करके नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सरकार इसे खुद ही समझ नहीं पा रही है, इसलिए लगातार GST लागू करने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो लगातार बैठक कर रहे थे और नए नए रूल आ रहे थे, इस वजह से लोगों को समझ पाने में दिक्कत हुई। अभी भी जिन भी देशों में GST लागू हुआ है वो कभी भी एक बार में नहीं हुआ, पहले किसी छोटे क्षेत्र में हुआ और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाते गए। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार ने चुका है GST का, जब तो 2.5 साल के करीब हो भी गए हैं, तो इसको तो समझ चुके हैं लोग, तो इससे फायदा भी हुआ लोगों को। उस 2.5 साल के बीच में जो लोगों को परेशानी हुई, दिक्कतें हुई, या जैसे सर कह रहे हैं कि इनको नुकसान हुआ, व्यापार कम हुआ, लोग कम हुए, तो क्या ये व्यापार कम नहीं हुआ, बस ये थोड़ी कागजी कार्रवाइयां बढ़ गई हैं, थोड़ा खर्चा 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार महीने का एक्स्ट्रा पड़ गया व्यापारियों पे। क्या इसका जवाब आप देना चाहेंगे कि व्यापार कम नहीं हुआ है? व्यापार तो कम हुआ है, देखो उनका अपना नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो ऑल ओवर है कम हुआ है। ऑल ओवर कम ही हुआ। किसी का आपको भी नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, क्योंकि कम हुआ बिजनेस। किस चीज़ का व्यापार आप? मेरे कॉस्मेटिक शॉप है, तो उसमें आपको नुकसान हुआ, कस्टमर कम हो, देखो आप पैसा फ्लो में नहीं होगा तो अपना भी कम होगा। ठीक है, जब ऑल ओवर मार्केट में काम नहीं होगा तो कैसे लोग खर्च करेंगे जिनके पास? तो सर कल आप मतदान के लिए जाएंगे, क्या आपका क्या मुद्दा होगा? देखो, हम मोदी जी को वोट देंगे कि उन्होंने काम किया देश के लिए, बाकी जो यहाँ के लीडर हैं मेन, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो मीनाक्षी लेखी ने कोई काम नहीं किया? कोई इतना नहीं किया जैसे होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हुआ। तो वो मोदी जी को की ही पार्टी से हैं, तो लेकिन लोग जो मतदान करेंगे मोदी जी को देख के ज़्यादातर। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है लेकिन आप फिर भी मोदी जी के लिए मतदान करेंगे? क्योंकि मोदी जी काम कर रहे हैं। तो नहीं, अभी तो आपने बोला कि आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, लेकिन हम मोदी जी को देख के देंगे, क्योंकि काम तो मोदी जी ने करना है। किस काम पे देंगे? जो मोदी जी के जैसे नहीं, मतलब आप कोई काम के नहीं है। मोदी जी जैसे एक हिंदुत्व का जो मुद्दा उठा रखा है वो तो बहुत बढ़िया है, मतलब आप मतलब धर्म के नाम की राजनीति पे को आप सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं राष्ट्रवाद। नहीं, सर ने हिंदुत्व की बात की, मतलब राष्ट्रवाद होगी भारत की बात। हिंदुत्व का तो है ही है, देखो वो सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, करना भी चाहिए उनको। अच्छा, और बाकी वो सब मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे देखो आप हर चीज़ में उनका फायदा ही हो रहा है, हर कंट्री से पैसा भी इंडिया में लग रहा है। नहीं सर, लेकिन सर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में कम हुआ है, तो सरकार भी कह रही है, लेकिन सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इंडिया में पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुका है, लगभग 35% गिरा है 2013 के मुकाबले। लेकिन फिर भी जो ग्रोथ है वो तो अच्छी चल रही है, जो इंडस्ट्री वगैरह से भी जो भी आ रही रिपोर्ट आ रही है वो ग्रोथ तो अच्छी दिखा रहे हैं कि इंडिया में जो ग्रोथ आ रही है वो अच्छा है, आने वाले टाइम में और अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम लगेगा अभी, और टाइम आप देना चाहते हैं मोदी जी को? हम टाइम देना चाहते हैं। ठीक है,
धन्यवाद। तो ये क्या नाम था आपका? ओम प्रकाश। तो ये थे ओम प्रकाश जी, जिनका कहना है कि GST से नुकसान हुआ है और इनके इलाके में काम भी नहीं हुआ है, मीनाक्षी लेखी ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और मोदी जी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उन कामों को वो ज़्यादा गिना नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वोट देंगे, उनके लिए बड़ा मुद्दा हिंदुत्व है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हेलो सर, कल दिल्ली में लोकसभा चुनाव है, आप सभी लोग वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपका कल के लिए? क्या मुद्दा रहेगा तो नहीं पता, क्या वहाँ पर इलेक्शन में वोट डाल के आ जाएंगे बस। मुद्दा मतलब आ जाओ आप, तो आप ऐसे ही वोट डाल के आ जाएंगे? हाँ, किसी पार्टी को, किसी पार्टी को डालेंगे तो किस किस आधार पर डालेंगे? पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, किसी और से बात कर लो। आपने मतदान को लेकर अवेयर नहीं है? लोग यहाँ पे, भाई साहब ने बोला कि वो ऐसे ही किसी भी पार्टी को डाल के आ जाएंगे, वो इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं है। कोई बात नहीं, हम किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं जो कम से कम इतने अवेयर हो कि उनको पता हो कि वोट किस आधार पर डालेंगे। कल लोकसभा चुनाव है दिल्ली में, आप सभी लोग वोट डालने जाएंगे, किस आधार पे आप कल वोट डालेंगे, आपका मुद्दा क्या होगा? सर ऐसा है कि ये तो उसी टाइम देखेंगे किस हिसाब, किस बेस पे डाला जाएगा, किस बेस पे नहीं डाला जाएगा। नहीं मतलब एक तो कुछ तो आपके दिमाग में होगा, कुछ आपने सोचा होगा, आपका मुद्दा क्या है? हमारा कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं सोचा सर। थैंक यू। लगता है यहाँ पे कोई बताना नहीं चाहता कि वो किस आधार पे वोट डालेगा, जबकि हम ये पूछ भी नहीं रहे हैं कि आप वोट किसको डालेंगे, हम सिर्फ मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, लेकिन उसको लेकर भी लोग सामने नहीं आ रहे हैं। ये पता नहीं किस तरह का डर है कि लोग इस चीज़ को लेकर सामने ही नहीं आना चाह रहे हैं कि उनको किस तरह का ये डर है, वो सोच रहे हैं कि उनके साथ कुछ हो जाएगा, शायद पहले कुछ ऐसा हुआ भी है। लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि लोग ये मामले बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि देश का माहौल ऐसा हो चुका है नफरत की राजनीति का। कुछ नहीं, नॉर्मल रिपोर्टिंग जनरल। कल दिल्ली में लोकसभा चुनाव है, आप लोग भी वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दा होगा आपका कल के लिए? मुद्दा ये होगा जो काम करेगा उसको वोट देंगे, सीधी सी बात है। अभी लोकसभा चुनाव है तो 5 साल से मोदी जी बैठे हैं केंद्र में, तो उनका मतलब उनके किस काम पे डालेंगे आप, या आप उनकी क्या बात आपको पसंद आई, क्या नहीं पसंद आई? आप दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, दो बड़े कदम को उठाए सरकार ने, मतलब व्यापार के नज़र से एक नोटबंदी, दूसरा GST। नहीं अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा। और इसलिए स्ट्रांग होगी हमारी इकोनॉमिक, स्ट्रांग होगी क्योंकि जो लोग जो 2 नंबर में थे वो 1 नंबर में आ जाएंगे। पहले GST नहीं था, अब सारे सीटों में एक जैसे लग गया, 18% सबको देना पड़ेगा, कहाँ पे क्या था, कहाँ पे नहीं था, सब हेरा फेरी उठती, सब एक हो गए। पीछे अभी मतलब आप ही के यहाँ के एक व्यापारी मिले, उनका कहना था कि GST के बाद व्यापार बहुत कम हुआ है। हुआ है, उसमें क्या हुआ है, जो हमारा फैक्टर जो आया है, जो ऑनलाइन से काम खराब हुआ है, ये मेन फैक्टर है, इससे थोड़ा नुकसान हुआ दुकानदारों को, घर बैठे आपको सामान मिल जाता है उसी रेट में, उससे कम रेट में, तो फिर कस्टमर गली। भैया बोल रहे हैं कि थोड़ा कम हुआ, आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम हुआ है। देखो जी, कम से कम नहीं, 60% फर्क पड़ गया है, मतलब 60% व्यापार आपका खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। ठीक है, कैसे, किस तरह से, मतलब GST से पहले बेहतर था? ये जो बड़े बड़े स्टोर खोल गए हैं ऑनलाइन पे, और ये स्टोर है, ये ज़्यादातर विदेशी कंपनियां खोल रही हैं, विदेशी कंपनियां हैं या इंडिया की तो हम नहीं जानते, बाकी इनसे हमारे को बहुत फर्क पड़ा है। आने वाले समय में ऐसा रहा तो दुकानें बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, रिटेल मार्केट बंद हो जाएगी, सेक्टर खत्म हो जाएगा। तो ये जो रिटेल में FDI बढ़ाया है 100%, ये इसी सरकार ने बढ़ाया, इसी सरकार ने बढ़ाया, तो ये आपके लिए मुद्दा नहीं है? मुद्दा है, नुकसान तो इससे भी बहुत होगा, ये लड़के वाले काम करते हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी और ये सब बंद हो जाएगा, और जब रिटेल सेक्टर में FDI बढ़ा था और लगातार लाजपत नगर और इस सब जगह पे दुकानें बंद हो रही थी, तो बहुत सारा विरोध प्रदर्शन भी हुआ, बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो मतलब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत हुआ है जो हुआ है, क्योंकि इतना FDI को इतना 100% नहीं करना चाहिए था इनको, कुछ % जो पहले था कांग्रेस के टाइम में वो ठीक था। हाँ, तो जब नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे तो जब कांग्रेस ने 55% किया था तो उन्होंने इस बात का विरोध किया था, उन्होंने बोला था कि ये सरकार
विदेशी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रही है, ठीक है, और देशी कंपनियों को नहीं पहुंचा रही है। इस बात को उन्होंने राष्ट्रवाद से भी जोड़ा था, लेकिन अब वो जब खुद प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 100% कर दिया और उसके बाद वो राष्ट्रवाद का झंडा भी उठा रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा देश का, क्योंकि इतने जो सेक्टर्स हैं वो सब जीरो हो चुके हैं इस टाइम। मार्केट जो आप अगर देखो तो पहले जो 70 थी वो 40 भी नहीं रही इस टाइम मार्केट, ठीक है। मैं ये मानता हूँ उन्होंने अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे चाइना से माल लेना बंद कर दिया, जो भी कह लो उसके ऊपर एक्शन हुआ है, पाकिस्तान में एक्शन हुआ, वो अच्छा हुआ है, मगर ये जो सेक्टर था हमारा ये नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। मतलब आप मान रहे हैं FDI से नुकसान ज़्यादा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं हमें। FDI से नुकसान ज़्यादा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, आपका व्यापार कम हुआ है, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट करते हैं? उन्हीं को करूँगा जी, ठीक है, धन्यवाद। फिर से हमें उसी तरह का रुझान देखने को मिला कि लोग मान रहे हैं कि GST, नोटबंदी, FDI, रिटेल सेक्टर, इस सबसे बहुत नुकसान हुआ है, लगातार बेरोजगारी बढ़ी है। लोगों का ये भी मानना है कि 60% तक उनके व्यापार में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद वो प्रधानमंत्री मोदी को वोट करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ की जो सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, ठीक है, उन्होंने भी काम नहीं किया है, उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दे सपोर्ट मोदी। आइए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अंकित, दो मिनट बात कर। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह जी, तो कल दिल्ली में लोकसभा चुनाव है, राजपाल जी आप वोट डालने जाएंगे, आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या, हमने तो आम पार्टी को देना, आम आदमी पार्टी को देना, बिल्कुल देंगे। तो किस आधार पे देंगे आम आदमी पार्टी को? उन्होंने सारे काम करे, हमारे यहाँ पानी नहीं आता था, पानी आ गया, सब कुछ हो गया, पानी नहीं आता था, सब कुछ अब हो गया, बिजली फ्री हो गई, साले लगते ही नहीं थे मीटर, लगवाते ही नहीं थे कोई। पिछले 5 साल से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, इनके प्रदर्शन पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार के प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री है नहीं सर, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। नहीं गौ जी, बिल्कुल ऐसे करेंगे, हम दुखी हैं। आप दुखी हैं? बिल्कुल, धंधे चौपट हो गए सारे, धंधे चौपट हो गए। तो क्या GST या नोटबंदी, किसको दोष देना चाहिए? नोटबंदी में किसी ने, कोई अमीर आदमी लाइन में लगा, सब गरीब आदमी लाइन में लगे, सब गरीब आदमी लाइन में लगे। और GST से आपको किस तरह से नुकसान हुआ? सभी नुकसान हो रखा है भाव जी, अब कहते हैं जी पेटीएम ले लो, मंडी में कोई हमसे लेता नहीं, नगद लाओ। तो पेटीएम का बोर्ड हमने आपने पीछे कचरे में डाला हुआ है? बिल्कुल कचरे में डाल दिया जब, क्योंकि मतलब ये डिजिटल इंडिया है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। तो अगर कभी कह देगा 15 लाख खाते में आ जाएंगे, हमारा क्या है, 15 लाख आ जाए तो फिर बात ही क्या है। तो सर अगर आपका 100% व्यापार था तो आप कितना प्रतिशत रह गया? कुछ भी नहीं।